क्या भारती भी हो चुकी है कास्टिंग काउच का शिकार? सामने आया बड़ा सच। भारती ने शेयर की अपनी आप बीती। वेल, क्या कुछ बताया भारती ने, आइए जानते हैं। कॉमेडियन भारती सिंह का इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, उन्होंने अपने बलबूते पर ही इंडस्ट्री में पहचान बनाई है। इंडस्ट्री में नए एक्टर्स को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, कई लोगों को कास्टिंग काउच का भी सामना करना पड़ता है। भारती सिंह को भी अपने करियर के शुरुआती दौर में कास्टिंग काउच का डर सताता था। इसके बारे में भारती ने हाल ही में मनीष पॉल के पॉडकास्ट शो में खुलकर बात की है। भारती सिंह ने बताया कि कपिल शर्मा ने उन्हें बताया था कि अमृतसर के 5-स्टार होटल में ऑडिशन हो रहे हैं। लोगों की सोच ऐसी है कि डायरेक्टर छेड़ने के लिए बुला रहा है। भारती ने बताया कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ ऑडिशन के लिए गई थी। वही इस बारे में बात करते हुए भारती ने कहा, मैंने उसको बोला कि अगर मैं 15 मिनट तक नीचे नहीं आई तो तुम पुलिस को लेकर ऊपर आ जाना, इससे पहले इज्जत लूट जाए। भारती इसके बाद ऊपर गई और डायरेक्टर का दरवाजा खटखटाया। डायरेक्टर कमरे से बाहर निक्कर और वेस्ट पहनकर आया था। इस पर भारती ने कहा, ये तो पूरी तैयारी में है। मैंने कहा, हाय, ऐसे ही करते हैं, छोटे शहर की लड़कियों को लाते हैं, झांसा देते हैं, फिल्मों में सही बताते हैं। इसके बाद भारती तब और डर गई जब डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि क्या वो कर सकती है। जवाब में भारती ने डायरेक्टर को वो सब बताया जो उन्होंने किया है और यहाँ तक कि मौके पर ऑडिशन भी दिया। डायरेक्टर ने अपना नंबर छोड़ने को कहा, लेकिन भारती ने बताया कि इसके बाद उसके पास से कोई कॉल नहीं आया। लेकिन 2-3 महीने बाद भारती को एंडमोल प्रोडक्शन से फोन आया, जिन्होंने भारती को बताया कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के लिए उनका नाम शॉर्टलिस्ट हो चुका है। इस शो ने भारती की किस्मत बदल दी थी। भारती अपनी कॉमेडी से लोगों के दिलों पर छा गई थी। वेल, ये तो हुई भारती की बात। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही देखते रहे टेली मसाला।